नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए जन्माष्टमी पर्व की कहानी लेकर आए हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अर्धरात्रि में व्रत रख कर भगवान का प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद के रूप में फलाहार और धनिया की पंजीरी या पंचा अमृत का प्रयोग किया जाता है। दूसरे दिन इसी उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचार से तपने लगी थी, तब गाय का रूप बनाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी की दुख भरी कथा सुनी, तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवगण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ ले जाकर क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु अनंत संज्ञा पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवगणों की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि की निंद्रा खुल गई और भगवान विष्णु ने सभी को आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली, हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए। यह सुन भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, तुम सब ब्रज भूमि में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। सभी देवता ब्रज में आकर यादव कुल में यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। कुछ दिन बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के घर उसका 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कंस, यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है, पैदा होते ही मैं अपनी सारी संतान आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया और उन्हें कारागार में ले जाकर बंदी बना दिया गया। दिए गए वचन के अनुसार वासुदेव ने अपने सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उनको मारता चला गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारने के बाद देवकी के 8वें गर्भ की बात सुनी तो उसने कारागार में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वासुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार कर वासुदेव गोकुल पहुँच गए। सोई हुई यशोदा को देखा तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागार में पहुंचे। तब कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी। खबर पाते ही कंस ने कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले पैदा हो चुका है। दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बाकासुर, पुतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध कर पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा करी। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।